हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट है ट्रांसप्लांट, नो बकवास ओनली ज्ञान चैनल। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि डीएसटी से हेयर फॉल होता है और उससे बचने के उपाय क्या है। जी हाँ, डीएसटी को ब्लॉक करने वाली दवाई कौन सी है, उसके साइड इफेक्ट क्या है और उस दवाई के साइड इफेक्ट से कैसे बचा जा सकता है, ये है हमारा आज का टॉपिक। तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आप सब में से बहुत सारे लोग तो ये बात जानते ही होंगे कि बालों के गिरने का मेन रीजन है डीएसटी का बढ़ना। डीएसटी कब बढ़ता है, क्या बढ़ता है? जब हमारी बॉडी के अंदर ना टेस्टोस्टेरोन के लेवल इंक्रीज होता है। टेस्टोस्टेरोन का लेवल कौन सी एज में इंक्रीज होना स्टार्ट होता है? टेस्टोस्टेरोन का लेवल स्टार्ट हो जाता है बढ़ना 16 से लेकर 25 साल तक की उम्र तक पीक पर रहता है। पीक मतलब बहुत ऊपर तक रहता है, उसके बाद ये धीरे धीरे डाउन होना स्टार्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है, इससे क्या होता है, ये आदमी लोगों को, मेल लोगों को चाहिए ही होता है। इससे क्या होता है, मसल बिल्डिंग, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनको बॉडी बनाने के लिए भी चाहिए होता है और बहुत ही ज्यादा मतलब वो इंजेक्शन तक लेते हैं इस चीज के। लेकिन जब ये टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो आपका हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। समझ लो, टेस्टोस्टेरोन जब डीएसटी के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है ना, तो हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई टेस्टोस्टेरोन की, ठीक है। अब इसको जे टेस्टोस्टेरोन डीएसटी में कन्वर्ट ना हो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए कौन सी मेडिसिन होती है, उसके लिए होती है फेनेस्ट्राइड। देखो, मैं फेनेस्ट्राइड खाता हूँ, ये मेरी फेनेस्ट्राइड डॉक्टर रेडी की है और मैं कितने रुपए की लाया था इसको, 195 की कुछ 30 गोली आई थी, 195 की 30 गोली आई थी। लेकिन आप मेरे बोलने पर कि मोहित खाता है तो आप लोग भी खा लोगे, ऐसा मत करना। आप सब लोग डॉक्टर से पूछना, उसके बाद ही खाना। तो ये कितना परसेंट रोकता है टेस्टोस्टेरोन को डीएसटी में कन्वर्ट होने से, कितना परसेंट तक रोकता है? 70% तक इफेक्टिव है ये, 70। देखो, मैं आप लोगों के सामने खा के दिखा देता हूँ ताकि आप सब लोगों को पता लग जाए कि मोहित भी खाता है। खोला पत्ता, निकली गोली, ये 1 mg की गोली है, इतनी छोटी सी गोली होती है, देखो इतनी छोटी सी पिद्दू सी गोली है। खा लिया मैंने, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि भाई ये खाने से बंदा ये बन जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं भाई ऐसा है, ऐसा होता है, हमारे साथ हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, तो घबराते हैं। तो भाई मैं उन सब लोगों के लिए बोलने जाता हूँ, जब आप बरसात में जाते हो तो क्या करते हो, क्या करते हो बताओ? बरसाती पहन के जाते हो, अम्ब्रेला का यूज करते हो, U4 अम्ब्रेला करते हो, अम्ब्रेला का यूज करते हो ना? मेरे पास भी एक अम्ब्रेला है, ये देखो, मैं भी इसका यूज करता हूँ बरसात में जाने से पहले, छोटा भीम वाला, ठीक है। छोटा भीम से याद आया, आप सब लोगों को लगता है कि छोटा भीम खराब हो जाएगा अगर आप फेनेस्ट्राइड की गोली खाओगे ना, तो उसके लिए एक रामबाण उपाय है मेरे पास। रामबाण मतलब रामबाण। पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी तरफ से ये फेनेस्ट्राइड खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप लोग ये एक प्रोडक्ट आता है शीलाजीत, पढ़ लो इसको, उसका नाम शीलाजीत, ये पतंजलि कंपनी का है, ये देख लो, ये इसकी कॉस्ट कितनी है पता नहीं, इसकी कॉस्ट है 100 रुपीज का आता है और इसे 1 ड्रॉप पीना होता है, खाना होता है, ठीक है। कैसे खाते हैं, इसे खोला, ब्लैक कलर का होता है, खुशबू बदबू है, मतलब खुशबू तो नहीं है, उल्टी चम्मच से निकाला, सीधी चम्मच से निकालेंगे तो ज्यादा आ जाएगा, इसे उल्टी चम्मच से निकाला। 1 कप के अंदर दूध लिया, दूध को गुनगुना कर हल्का सा, देखो देख लो भाई दूध है, बाद में बोलना कि दूध था नहीं या दूध दिखा नहीं, पता नहीं दिख रहा नहीं दिख रहा, ऐसे किया, ऐसे करके हिलाने के बाद ना इसका कलर कॉफी जैसा हो जाता है, थोड़ा कॉफी जैसा हो जाता है। इसके अंदर चीनी डालनी हो तो थोड़ी सी चीनी डाल लो, और आप ना शहद भी डाल सकते हो, मैं तो प्रीफर करता हूँ शहद डालना, आप भी शहद डाल के पी सकते हो। और देखो ऐसे, पता नहीं आप लोगों को दिख पा रहा, मैं वीडियो उठा करके दिखाता हूँ, कैमरा उठा करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो कि हिलाया, एक स्पून से थोड़ा हट गया मतलब, और ब्राउन का कलर ना थोड़ा ब्राउन है, ये देखो दिखाते हैं उसका ब्राउन कलर कैसे है, व्हाइट के ऊपर रखूंगा तो आपको लगेगा थोड़ा ब्राउन है ना, इसका थोड़ा कलर ब्राउन हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है कुल मिला करके। और वो मिलाने के बाद मैं करता हूँ उसके अंदर थोड़ा बहुत शहद, हनी ऐड करने के बाद आता है थोड़ा मीठा, इसे फिर मिलाता हूँ थोड़ा तक इसका शहद मिल जाए, फिर इसको पी जाता हूँ।
शहद मिलाने के बाद इसका टेस्ट थोड़ा अच्छा हो जाता है, लगता नहीं है कॉफी, थोड़ा कॉफी टाइप लगता है, लेकिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है ये। जो फिनास्ट्राइड यूज करता है या नहीं भी करता है तो इसको ले सकता है, बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत ही ज्यादा असरदार है। लेकिन जो फिनास्ट्राइड यूज करता है उसे लगता है कि उसे कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे कि मैंने अपने अम्ब्रेला के अंदर दिखाया, जिससे अपने छोटा भीम की थोड़ी ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा उसके बारे में ज्यादा सोचता है, तो वो इस प्रोडक्ट का यूज कर सकता है। और इस प्रोडक्ट के बारे में ना बहुत ही ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि भाई ये तो प्रोडक्ट वो तब है जब हनीमून की रात को यूज किया जाता है, ये होता है वो होता है, फौलादी हो जाता है इसका यूज करने से। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और इससे कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैंने भी कुछ 4-5 बॉटल खत्म कर चुका हूँ, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अच्छा ही प्रोडक्ट है। तो मैं आप सब लोगों को वही बातें बताता हूँ अपनी वीडियो के अंदर जो मैं खुद यूज करता हूँ। तो अभी की वीडियो में मैंने आपको क्या बताया कि हेयर फॉल कैसे होता है, टेस्टोस्टेरोन डीएचटी में कन्वर्ट हो जाता है, डीएचटी को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको मेडिसिन बताई फिनास्टेराइड जो कि मैं यूज करता हूँ, और जिन लोगों को लगता है कि फिनास्टेराइड खाने से छोटा भीम को दिक्कत हो जाती है उन लोगों को मैंने ये बताया, ये लेने का तरीका भी बता दिया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने सारी बातें बता दी आप लोगों को जिस जो आपको आपके हेयर को और आपकी सेहत को अंदर से स्ट्रांग बनाएगी, ठीक है ना। तो ठीक है, अब थोड़ी मैं आप लोगों को बात बताता हूँ। तो ये तो मेरी नॉलेज वाली बात थी सारी अभी तक जो मैंने आप लोगों को बताई, अब थोड़ी इधर उधर की बातें कर लेता हूँ। मेरी वीडियो बेसिकली यहाँ पर खत्म हो गई है, जिन लोगों को थोड़ी मजे वाली बातें सुननी है वो सुन सकता है, ठीक है। बाकी लोग जो जिन लोगों को ज्ञान लेना था वो इतना ही ज्ञान मिलेगा आज। चलो दोस्तों, आधे लोग को लो बाय बाय, अब आधे लोग रुके रहो देखते रहो। दोस्तों मेरे एक व्यूअर, पता नहीं मेरा व्यूअर है या फिर किसी और का सब्सक्राइबर है, किसी और का भक्त है, क्या है वो, उसने ये कमेंट किया कि भाई मोहित ये बात है कि द हेयर एंड शेप जो क्लिनिक मैंने आप लोगों के लिए चूज किया ना, बहुत ही ज्यादा मेहनत से 25 रुपए का क्लिनिक 10 रुपए के अंदर, जिसका नंबर ये दिया हुआ है मैंने, इस क्लिनिक के अंदर फ्रॉड हो रहा है और लोग वो ज्यादा पैसे चार्ज कर रहे हैं जुलाई के महीने में अंदर, और 5000 रुपए एडवांस की मांग रहे हैं, ये सब मांग रहे हैं। फिर मैंने लिखा भाई मैंने तो चार सब्सक्राइबर का बोला था कि 4 सब्सक्राइबर का ही होगा और उससे ज्यादा होगा तो पैसे लगेंगे, चार्जेस होंगे ज्यादा। फिर उस नीचे लिख रहा है कि वो लोग पैसे कमाना जानते हैं, ये है वो है। फिर लिख रहा है कि मुझे पता है आप मेरा कमेंट डिलीट कर दोगे, ये कर दोगे। भाई मैंने फिर रिप्लाई करा मेरे बाप का क्लिनिक थोड़ी ना है वो, है जैसा भी क्लिनिक है क्लिनिक। अब क्लिनिक के जो रूल है। तो ये पढ़ने के बाद मैंने फिर क्लिनिक को अप्रोच किया, भाई क्लिनिक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, आप लोगों ने 4 का बोला था, मुझे स्टेटस बताओ कम से कम 4 का, तो मैं आपसे लोगों से स्टेटस लेता हूँ ना, 4 का तो हक है मुझे, तो आप मुझे बताओ कि 4 लोगों का नहीं हुआ। उन्होंने कहा भाई मोहित सुनो, तो क्लिनिक वालों ने मुझे ये व्हाट्सएप भेजे, देखो मैंने क्लिनिक वाले से बात की तो उन्होंने ये व्हाट्सएप भेजे। तो क्लिनिक वालों ने शुरू में उसे बताया कि 6500 रुपए है मई के मंथ के अंदर कराओगे, तो फिर उसने बात की जुलाई के महीने में, उन्होंने बोला कि एक स्लॉट खाली है, एक स्लॉट के अंदर आपका हो जाएगा 45000 रुपए के अंदर। नोट करें जुलाई के अंदर उसने लिखा था कि 60000 में होगा, और जबकि क्लिनिक वालों ने व्हाट्सएप पे लिखा है कि कितने का होगा, 45000 रुपए का आपका हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बोलता है कि अरे मुझे कहीं से नहीं करवाना, मैं दूसरे यूट्यूबर से करवा लूंगा, दूसरे उससे करवा लूंगा, है ना, और मेरे चाचा जी मेरे ये वो खुद ही डॉक्टर है, मैं उनके वहां से करवा लूंगा। फिर लिखता है कि मैं खुद यूट्यूबर हूँ, मैं बदनाम कर दूंगा इस क्लिनिक को, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अबे तुझे जो करना है कर ले चोर, तुझे जो करना है कर ले, चल जा मर, ठीक है। तो दोस्तों बात यह है, ऐसे बेवकूफ लोग ना हद से ज्यादा है, जो क्लिनिक घटिया कर रहे हैं बेकार कर रहे हैं उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा है, जो 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 बेकार करने पे लगे हुए हैं, खराब पे खराब कर रहे हैं, दिन दुगना रात चौगना खराब कर रहे हैं, उनके बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा, और आ रहे हैं ये यूट्यूबर, मेरे को तो लग रहा है किसी यूट्यूबर का ही बंदा है और क्या फिर किसी क्लिनिक का बंदा है, छोड़ रखे हैं इन्होंने पालतू कुत्तों की तरह इन लोगों को। चलो दोस्तों दिमाग खराब हो गया ऐसे कमेंट देख करके, तो इसे थोड़ा सा बना दे 2-4 मिनट का ये लास्ट में, ठीक है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फिनास्टेराइड के बारे में, इसके बारे में, शीलाजीत के बारे में जो मैंने आपको अंदर की बातें बताई हैं, दोस्तों एक बार मैं आप फिर से आप लोगों को बता दूं कि क्लिनिक सिर्फ 4 लोगों का महीने के अंदर 10 रुपए का करेगा, वो 25 रुपए वाला क्लिनिक है। हाँ आप मेरा नाम लोगे तो थोड़ा डिस्काउंट और हो जाएगा, प्लस आपको कोई डेट बुक करवाने तो आपको 5000 रुपए एडवांस देने पड़ेंगे, ये हर क्लिनिक के अंदर होता है। और ओटी चार्जेस वगैरह कुछ नहीं है, 10 रुपए बोला है तो 10 रुपए ही चार्ज होंगे। और हाँ जुलाई के अंदर एक आधी बुकिंग खाली है, एक आधी जगह खाली है, अगस्त के अंदर भी खाली है, और आप लोगों को बुक करवाना है तो करवा सकते हैं। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और कमेंट जरूर कर देना स्पेशली उस लड़के के लिए, और आप लोगों को कैसे लगी मेरी वीडियो इसके बारे में भी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।